हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटासी डिसेंट चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ड्रीम इलेवन नेचर आइस टी टेन की बात करेंगे, जो कि मैच होगा यहां पर सारी सनराइजर्स वर्सेस सैमपेंग रिपफू डाइवर्स के बीच में। तो चलिए दोनों टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे स्मॉल लीग में लेके जाएंगे, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ग्रैंड लीग में पिक करेंगे, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहेगा, उसके बारे में बात कर लेंगे। पिच रिपोर्ट देख लेते एक बार, लास्ट में हमारी फैंटासी टीम देख लेते कि कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं। सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करें इस मैच की, इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इस टूर्नामेंट के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। साथ ही में मिल जाएंगे आपको यहाँ पर त्रिपुरा वुमन्स टी ट्वेंटी के वीडियोज मिलेंगे, इसके साथ साथ आपको मिलेंगे यहाँ पर बीबीएल टी ट्वेंटी के वीडियोज मिलेंगे, इसके साथ साथ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे पौंडुचेरी पैटर्न्स वेटर्नस टी ट्वेंटी के वीडियोस। तो सारे अच्छे मैचेस के वीडियो आपको यहीं पर मिलने वाले। तो यूट्यूब चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही में टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाले है। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक ऑलरेडी अटैच किया हुआ है। इनकेस अगर लिंक वर्क ना करे तो टेलीग्राम में जाके आप लोग सर्च भी कर सकते हो फैंटासी डिसेंट चैलेंजर, या फिर आप सर्च कर सकते हो @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा। सिंपली आपको उसे ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको वहीं पर दी जाएगी। तो बात करें इस मैच की, तो ये मैच रात को 9:30 पर विंडसर पार्क रसोव डोमिनिका वेस्ट इंडीज में खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट या से न्यूट्रल और बैलेंस रहेगी, लेकिन रन्स की बात करूं तो यहां पर रन्स ठीक ठाक बनते हैं, 80 से 100 रन के आसपास स्कोर बनता हुआ नजर आ सकता है। रेयर केस में यहां पर 120 के प्लस जा सकता है, बाकी यही आसपास के स्कोर बनता हुआ नजर आ सकता है। बाकी पहले बैटिंग करने वाली टीम को थोड़ा बहुत एडवांटेज रहेगा, तो जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले बैटिंग करना पसंद कर सकती है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहां पर टीम ट्रिपल एस की, तो 6 मैच के लिए जहाँ से 4 मैच वो जीती है, 2 मैच हारी है। ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है उनका। ओपनिंग की बात की जाए तो यहाँ पर स्टीफन पास्कल और कासिमिर बेंजामिन दोनों ओपनिंग करवा रहे हैं। अभी बात करूँ स्टीफन पास्कल की, तो पिछली 2 मैच के अंदर बंदे ने कमाल किया हुआ है, 30 रन किए, फिर लास्ट मैच की बात करो तो 47 रन किए। तो एज अ प्लेयर तो इनको लेके जाना ही जाना है, इवन अभी के लिए आप लोग इनको कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हो, रिसेंटली फॉर्म अच्छा है। और वैसे भी देखो ये जो आखिरी के जो भी आपको रिकॉर्ड्स दिखेंगे ना, हेड टू हेड ही दिखेंगे, क्योंकि आखिरी मैच इन दोनों टीम के बीच में ही हुई है, मतलब इन दोनों की आखिरी मैच इन दोनों टीम के बीच में हुई है। तो इंपॉर्टेंस रहेंगे, दोनों इंपॉर्टेंस रहेंगे। ऐसे कासिमिर बेंजामिन भी यहाँ पर विकेट कीपिंग सेक्शन से हमारे लिए बेहतर पिक रहने वाली, सीधा हम उनको लेके जाने वाला है। डेसरेक डेस्कार्ट की बात करूँ तो एज अ प्लेयर एक बार फिर से हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप की चॉइस रहेंगे, क्योंकि जनता की चॉइस है और जनता की चॉइस को मान देते हुए हम उनको एज अ प्लेयर के साथ कैप्टन वाइस कैप्टन करते जाएंगे। शेड्रेक डेस्कार्ट वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हमारे लिए। बाकी बात करें ऐसे कैसेस की, लेविस की, जो कि विकेट्स बैटिंग के साथ साथ ऐसे विकेट्स वगैरह निकाल रहे, डेफिनेटली इंपॉर्टेंस रहने वाले। तो टॉप के जो भी चारों प्लेयर्स हैं, चारों इंपॉर्टेंस हैं, चारों में से किसी को भी हमें ड्रॉप नहीं करना है। अभी थोड़ा सा रिस्क लेना है किन किन प्लेयरों के ऊपर। बात करें ऐसे क्रिस्टन कासिमिर की, तो पिछले दोनों मैच के अंदर अंडर दिए, इसके पहले इन्होंने 45 रन किए थे, तो इनको आप लोग थोड़ा सा रिस्की तौर पर ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इस लेवल का परफॉर्मेंस अगर एक बार फिर से इनकी तरफ से आ जाता है तो आपको वन साइडेड विनिंग करवा सकते हैं, तो इनके ऊपर आपको रिस्क लेना है। शेन सिलिंगफोर्ड की बात करूं तो कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन लास्ट मैच के अंदर 15 रन किए और इसके पहले एक विकेट निकाली थी, तो ये बंदे के ऊपर आप लोग रिस्क ले सकते हो। वैसे इनका सिलेक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो आप लोग इनको सेफ तरीके से भी लेके जा सकते हैं। पेरिस की बात करूँ तो यहाँ पर 28 रन के साथ एक ओवर की गेंदबाजी की थी, जहाँ पर उनको विकेट नहीं मिली थी, लेकिन 28 रन से उन्होंने अच्छे खासे पॉइंट्स दिए थे, तो इस लेवल के परफॉर्मेंस से आपको सरप्राइज कर सकते हैं एक बार फिर से। तो इनको भी आप लोग एज अ प्लेयर के साथ यहाँ पर जाना चाहो तो जा सकते हो, बहुत ज़्यादा रिस्की रहेंगे, लेकिन भरोसा करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी अभिषाई एटेन की बात करूँ तो पिछले मैच के अंदर एक विकेट निकाला और यहाँ पर 2 विकेट निकाले, तो बैटिंग से तो कोई खास नहीं, लेकिन 2 ओवर्स की गेंदबाजी हर एक मैच के अंदर करवा रहे, जहाँ पर विकेट्स भी निकाल रहे, तो यहाँ से भरोसा कर सकते हो अभिषाई एटेन के ऊपर, क्योंकि यहाँ से कभी 1-2 विकेट निकाल लेते, तो इनको डिफरेंस वैल्यू में ट्राई कर सकते हो आप लोग। बात करें ऐसे केमिया स्ट्रॉन, ये प्लेयर मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लगा, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है, एक बार यहाँ से 1 विकेट उन्होंने जरूर निकाली, बाकी पूरी ओवर्स करवा रहे, लैपटॉप ऑटोडॉक गेंदबाजी या फिर 2 ओवर्स की पूरी गेंदबाजी करवा रहे, तो इनको भी आप लोग रिस्की तौर पर ट्राई कर सकते हो। और रेड हेड की बात करो तो ये तो डेफिनेटली आपकी टीम के अंदर रहना चाहिए, तो आई थिंक 5 प्लेयर तो ऐसे जिसको आपको बिल्कुल ड्रॉप नहीं करना है, एक तो टॉप के 4 प्लेयर और 5वां प्लेयर है यहाँ पर रेड हेड निकोलस, तो इनको तो बिल्कुल तो इनको लेके जाना है। बाकी एड्रिन मैथ्यूज जो है विकेट कीपिंग सेक्शन से, जिनको मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं करता, काफ़ी नीचे खेलते हैं और हमारे पास चॉइस है ऑलरेडी, तो हम लोग इनको सजेस्ट नहीं करता मैं, बाकी आप लोग इनको डिफरेंस वे में ट्राई कर सकते हो।
और बाकी बेंच से कोई भी प्लेयर खेलता है तो इनके स्टैट्स और अपडेट वगैरह आपको टेलीग्राम में मिलेंगे। जल्दी से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना क्योंकि अपडेट वगैरह आपको वहीं पर दी जाती है। बात करें ऐसे टीम सीआरडी की जो कि 6 मैच खेली जहाँ से 4 मैच वो जीती, 2 मैच वो हारी है। ओपनिंग में कौन है, एलिक अथानाजे के साथ या से लैनी को बाउसर दोनों ओपनिंग करवा रहे। इंपोर्टेंस की बात करो तो दोनों ही इंपोर्टेंस रहेंगे, इवन दोनों ही यहाँ पर कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस है क्योंकि अभी तक का इनका परफॉर्मेंस की बात करो तो दोनों ही अच्छे फॉर्म में है। ये बंदा बैटिंग से फॉर्म में है तो ये बंदा बॉलिंग से फॉर्म में है, हालांकि बैटिंग से इन्होंने भी कई बड़े स्कोर करवा चुके हैं। तो यहाँ से दोनों इंपोर्टेंस रहने वाले अलिक अथानाजे और लैनी को बाउसर। और कैप्टन वाइस कैप्टनशिप के डिफॉल्ट की बात करो तो ऐसे लैनी को बाउसर जो है डिफॉल्ट कैप्टन की चॉइस है। हम लोग भी इन्हीं के साथ जाएंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ ज़्यादा रिस्क लेने की जरूरत मुझे लग नहीं रही है। जैसन एलेक्जेंडर की बात करो तो इनकी मेरी बनती नहीं है, यहाँ पर मैंने उनको नहीं लिया था तो उन्होंने 20 रन के साथ एक विकेट निकाली। लास्ट मैच के अंदर मैंने टीम में शामिल किया तो उन्होंने बैटिंग से 0 रन किए, विकेट्स भी नहीं निकाली, मेरे से नाराज है थोड़े से। कोई बात नहीं, आज मना लेंगे एक बार फिर से टीम में लेके हुए राइट हैंड बैटिंग के साथ साथ जैसे ऑफ स्पिन गेंदबाजी करवा ले तो इनको डेफिनेटली लेके जाना है। ये बंदा हमारे लिए पंट प्लेयर बन रहा है, पिछली 2-3 मैच की बात करो तो कंसिस्टेंसी से हम लोग इनको वाइस कैप्टन वगैरह कर रहे हैं, अच्छा खासा एडवांटेज दे रहा है। और हालांकि ज़्यादातर जनता की बात करूँ तो सारे इनको एज अ प्लेयर ही लेके आ रहे हैं लेकिन हमें अच्छा एडवांटेज दे रहा है। तो एज अ प्लेयर के साथ एक बार फिर से मेरे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप की चॉइस डेरोन नेड ही रहने वाली है। तो ये बंदे दोनों मेरे फिक्स है, पिछली 3-4 मैच की बात करूँ तो ये बंदा कैप्टन और वाइस कैप्टन यहाँ से डेरोन नेड फिक्स है, एक बार फिर से वही कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे। बाकी जेड जोसेफ ओके ओके रहेंगे। और बाकी बात करें मिका जोसेफ की, वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं, इनको डेफिनेटली लेके जाएंगे क्योंकि पिछली 2 मैच के अंदर विकेट्स निकाल रहे हैं, बैटिंग से भी भाई साहब ने कमाल का स्कोर किया हुआ है तो इनको लेके जाना है। हालांकि एक चीज़ हो सकती है, अगर यहाँ से टॉप ऑर्डर के प्लेयर जल्दी आउट नहीं हुए तो ये भाई साहब से बैटिंग से उम्मीद थोड़ी सी कम रखिएगा, लेकिन ओवर्स वगैरह करवा रहे हैं, विकेट निकाल रहे हैं तो कोई बात नहीं, अच्छी पिक है, इनको लेके जाएंगे। जर्मेन राफेल की बात करूँ तो ये ओके ओके रहेंगे, बैटिंग से काफ़ी नीचे खेलते हैं, ओवरऑल प्लेयर अच्छा है लेकिन अभी तक इनको चांस नहीं मिल रहा है। यवानी रेगिस ओके ओके रहेंगे, इनको भी बहुत ज़्यादा रिस्क खेलो तभी ट्राई करना है। बाकी जैसे मर्सलिन की बात करो तो जैसे मर्सलिन ने पहले मैच के अंदर एक विकेट निकाली, बाकी पिछली 3 मैच के अंदर कुछ खास नहीं किया तो इनको बहुत ज़्यादा रिस्की खेलो, ग्रैंड लीग वगैरह खेलो तभी ट्राई करना है, स्मॉल लीग के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की रहेगी। लवसी वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले, इनको डेफिनेटली लेके जाना क्योंकि ज़्यादातर चॉइस है ही नहीं आपके पास बॉलिंग से, तो ये बंदा आपके लिए आपकी टीम के अंदर परफेक्टली बैठने वाला है। बाकी सरकिम थॉमस की बात करूँ तो ओवर्स वगैरह करवाए नहीं रहे, अगर यहाँ से 1-2 ओवर्स करवाई तो विकेट लेने के चांसेस रहते हैं, हालांकि विकेट टेकिंग कैपेसिटी भी इतनी कुछ खास नहीं है, 11 मैच के अंदर सिर्फ 3 विकेट है, तो ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी बेंच से कोई भी प्लेयर खेले तो इनके स्टैट्स और अपडेट वगैरह मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा ताकि आपको आसानी रहती है चेंजेस वगैरह करने की, तो जल्दी से जाना है टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। और अभी हम देख लेते हैं फैंटेसी टीम कौन सी रहेगी हमारी, कौन से प्लेयर को लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से ड्रॉप कर सकते हैं। तो बात करें यहाँ पर विकेट कीपिंग सेक्शन की तो सी बेंजामिन और एल बाउशर हमारी टीम के अंदर रहने वाले हैं, यहाँ पर रिस्क लेने की और कोई ज़रूरत है नहीं तो इन दोनों प्लेयर के साथ ही जाएंगे हम लोग। बाकी बैटिंग सेक्शन की बात करूँ तो यहाँ से एम जोसेफ है, इनके साथ यहाँ पर एस पास्कल है, इनके साथ यहाँ पर ए अथानाजे और के जेनो लेविस हमारी टीम के अंदर रहने वाले हैं। यहाँ पर रिस्क तो किसी प्लेयर के ऊपर मुझे लगता नहीं कि लेने की ज़रूरत है। बाकी ऑलराउंडर सेक्शन की बात करूँ तो एस डेस्कार्ट और जे एलेक्जेंडर हमारी टीम के अंदर रहेंगे, यहाँ पर आप लोग सीलिंग फोर्ड के ऊपर रिस्क ले सकते हो क्योंकि एक कभी कभी ऐसे विकेट वगैरह चटका सकता है। बॉलिंग सेक्शन से हमने 3 प्लेयर लिए जो कि एक है यहाँ पर आर निकोलस, इनके साथ यहाँ से डी नेड और एल लोसी हमारी टीम के अंदर रहने वाले हैं, यहाँ पर आप लोग एटिन को ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, स्ट्रेनो को बहुत ज़्यादा रिस्की खेलो तभी ट्राई करना है। टीम की बात करो तो टीम मेरी कुछ इस तरह से रहेगी, कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप का कॉम्बिनेशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है तो और कोई ज़रूरत है नहीं अभी बताने की कि दो कैप्टन वाइस कैप्टन कौन है। बाउसर कैप्टन है, वाइस कैप्टन जैसे डी नेड है। ऑप्शंस क्या है, ऑप्शंस यहाँ से अथानाजे बेस्ट ऑप्शन है कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए, आप लोग इनको ट्राई कर सकते हो। जे एलेक्जेंडर अच्छी पिक है, इनके ऊपर भरोसा कर सकते हो। यहाँ से डेस्कर्ट है, इनके ऊपर सामने वाली टीम से यानी कि एसएसएस की तरफ से डेस्कर्ट बेस्ट ऑप्शन है कैप्टन वाइस कैप्टनशिप के लिए। बाकी टीम कुछ इस तरह से रहेगी, याद रहे कि जो टीम है डेमो टीम है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगी फाइनल लाइनअप के बाद, तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। इनकेस अगर लिंक वर्क ना करें तो टेलीग्राम में जाकर सर्च करना है फैंटेसी
फैंटासी डिसेंट चैलेंजर, या फिर आप सर्च करोगे @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा। सिंपली आपको उसे ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि फाइनल अपडेट और टीम वगैरह आपको वहीं पर दी जाएगी। या अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है, साथ ही में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आगे आने वाले और अच्छे मैचेस के वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में एक नए सरप्राइज वीडियो के साथ। तब तक आपको करना क्या, आपको अच्छे से वीडियो को देखना है, अच्छे से एनालिसिस करना है, अच्छी सी टीम बनाना है और अच्छी सी विनिंग करना है। हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए सरप्राइज वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।